अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है उसामा हफीज। वेलकम टू ट्रक डिस्पैचिंग कोर्स। आज की जो कोर्स में हम लोग सीखेंगे आज की क्लास में कि हाउ टू बुक लोड्स फ्रॉम सेलेक्टर्स लोड बोर्ड, सेलेक्टर्स से हम लोड कैसे उठाएंगे। और यहाँ पर मैं आपको सारा ट्यूटोरियल बताऊंगा कंप्लीट ए टू जी, कैसे यूज किया जाता है बिगनर से एडवांस लेवल तक, सारा यहाँ पर आपको बताऊंगा। इससे पहले मैं डीएटी के ऊपर बना चुका हूँ, लेकिन वो थोड़ा पुराना हो गया, लेकिन अभी जो है हर वीक जे अपडेट होता है, तो ये भी मैं इसके ऊपर ट्यूटोरियल बनाऊंगा, सारा आपको बताऊंगा। डेट पावर, डेट वन और लोड बोर्ड जो है सारा किस तरह से मैनेज किया जाता है। खैर, आज हमने सेलेक्टर्स के ऊपर बात करनी है, सेलेक्टर्स क्या होता है और किस तरह से आप इस तक रसाई हासिल कर सकते हो। सेलेक्टर्स जो है वो एक लोड बोर्ड है जहाँ पे जाके आप ब्रोकर्स को कॉन्टेक्ट करते हो। ब्रोकर आपको जो है वो लोड की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, और आप यहाँ पर अगर 8 से 10 घंटे काम करते हो तो इजीली आप मंथली $2,2500 इजीली कमा सकते हो, अगर आपने एज अ ट्रकर काम करना है, ट्रक डिस्पैचर काम करना है आपने। अगर आप इसमें एक्सपर्ट बन जाते हो, 2 महीने 4 महीने के बाद आप अपना टाइम जो है वो 15 घंटे देते हो डेली, तो इजीली आप $8 से $10,000 इजीली कमा सकते हो। आपके पास अगर 2 से 4 करियर्स हैं तो इससे बढ़कर आपके पास इससे बड़ी लक नहीं हो सकती आपके लिए। अगर मैं आपको बताऊं तो आज हम सिलेक्टर्स के ऊपर जो है वो बात करने वाले हैं। सिलेक्टर्स का सारा मैं आपको तरीकाकार समझाऊंगा, उससे पहले आपको कुछ चीज़ें बता दूं, आपने इनके बारे में लाजमी रीड कर लेना है कि ट्रक की जो है वो लोड टाइप्स कौन कौन सी हैं। पहले मैं बता चुका हूँ डिटेल में, लेकिन आप यहाँ पर गूगल पे आके आप सारा कुछ यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। ड्राई वैन क्या होती है, फ्लैट बेड क्या होता है, डेक क्या होता है, रीफर क्या होता है, ठीक है, और कितने फिट की इसमें लोड जो है वो बुक किए जा सकते हैं, 10 फुट, 12 फुट, 16 फुट, 22 फुट और 24 फुट और 26 फुट जो है आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। बॉक्स ट्रक जो है वो ज्यादा उसकी डिमांड होती है कि हमें बॉक्स ट्रक जो है वो मिल जाए, ठीक है। और 26 फिट का जब आपको मिल जाता है लोड, तो आपके बारे में आ रहे होते हैं, अच्छे खासे आपको पैसे मिलने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। आपके पास करियर जो है वो अगर कार्गो वैन है, या आपके पास अच्छा रीपर है, आपके पास स्प्रिंटर है, या आपके पास अच्छा ड्राइवर है जिसके साथ आप शुरू से चल रहे हो, जो नया ड्राइवर है वो आपको नेक्स्ट लेवल तक लेके जाता है अगर आप उसके साथ सही से चलते हो तो, ठीक है। और पेमेंट जो है उसका भी तरीकाकार आपको समझा दूंगा, लेकिन अब आज जो है मैं आपको जो बेसिक चीज बता रहा हूँ है लोड कैसे बुक करना है, लोड होता क्या है, डिस्पैचिंग क्या होती है, इसका तरीकाकार कैसे होता है, ये सारा हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक जो है वो मेरे जैसे डिस्पैचर वो लोड सर्च करता है आके डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर, ट्रक स्टॉप के ऊपर, या सेलेक्टर्स के ऊपर, या DAT 1 के ऊपर, या उसके बाद 1, 2, 3 लोड बोर्ड के ऊपर। ये सारे मैंने जो आपको बताए हैं टूल्स के नाम है, ये वेबसाइट्स के नाम है जहाँ पे जाके आप लोड बुक करते हो। मेरे जैसे डिस्पैचर जो है वो लोड उठाता है, लोड बुक करता है और अपने ब्रोकर को यहाँ से कॉन्टैक्ट मिलाता है। यहाँ से जो आपको यहाँ पर जो नजर आएगा वो ब्रोकर होगा, उसे आप फोन मिलाओगे, वो आपको बताएगा कि इतना लोड है और यहाँ से यहाँ पर लेकर जाना है, आप सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो आप अपना करियर जो आपके पास अवेलेबल होता है उसकी डिटेल उसको फॉरवर्ड करते हो, करियर आपको उसके पास जाता है, लोड उठाता है और जाके जितना माइल उसका यानी कि डिस्टेंस होता है वहां पर जाके ड्रॉप कर देता है, और पैसे आपके पास आ जाते हैं 3-4%, 5%, 8%, 10% तक आप इजिली कमीशन बेस पे वर्क कर सकते हैं। अब देखो ये जैसे आप इसको लॉग इन करोगे ना, तो आपके सामने ये चीज आएगी, मैं आपको ये बता भी दूंगा मिलेगा कैसे। इसकी जो मंथली जो फीस होती है वो डॉलर्स में होती है, अगर आप इसे डायरेक्ट यहाँ से बाय करोगे तो आप 6-7 यूजर इसको इजीली इस्तेमाल कर सकोगे, अगर आप डायरेक्ट बाय करते हो। अगर आप इसको शेयर बेसिस पे लेना चाहते हो, 7-8 हज़ार रुपये में आपको मंथली मिल जाता है। मैं जो है शेयर बेसिस पे ज़्यादा यूज़ करता हूँ, शेयर बेसिस पे जिनसे मैं लेता हूँ उनके नंबर्स भी आपसे यहाँ पर मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो आप जो है अगर प्रोफेशनल जो है डिस्पैचर बनना चाहते हो तो आपको ये चीज़ सीखनी होगी। मैं बिल्कुल बिगिनर लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो मुझे लोड बुक करना है तो ये फिल्टर है मेरे पास यहाँ पर, आज की डेटा यहाँ पर। और एक बात आपने ध्यान में रखनी है कि सुबह 9 बजे अमेरिका में, पाकिस्तान में रात 8 या 9 या 10 बज रहे होते हैं, और वहाँ पे 9 से लेकर शाम 6 बजे तक अमेरिका में लोग यहाँ पर लोड अपने जो है वो अपग्रेड करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको जो है वो अच्छा खासा डेटा देखने को मिलता है। तो यहाँ पर मैं आया हूँ ना, मुझे रेफरेंस नंबर लिखने की जरूरत है ना ऑर्डर नंबर लिखूंगा। मैंने अभी जो है एक अच्छा जो है वो फाइंड करना है, यानी कि अच्छा लोड मुझे मिल जाए, क्या करूँगा मैं यहाँ पर। मैं आपको सबसे जो कॉमन है जो हम यहाँ पर फाइंड करते हैं, यहाँ पर आपको मिलते हैं छोटे लोड्स, मतलब कि कार्गो वैन का मिल जाएगा आपको,
14 से 16 फीट तक का आपको स्मॉल स्ट्रेट का मिल जाएगा। इजीली आपको अच्छे पैसे भी यहाँ से मिल जाते हैं और अच्छा जो लोड होता है मतलब कि वो भी मिल जाता है आपको छोटे लेवल पे। अच्छा जी, हम यहाँ पे कौन कौन से वाले सेलेक्ट करेंगे? मैं यहाँ पर जो जो करूँगा उसमें मुझे, मैं अपने हिसाब से देख रहा हूँ एग्जाम्पल के हिसाब से, मुझे अगर 16 फीट का भी मिल जाता है तो भी बेस्ट है, 26 फीट का मिल जाता है तो भी बेस्ट है। मैं रिफर जो है ये भी हमारा जो है बॉक्स ट्रक के लिए यूज होता है, स्मॉल स्ट्रेट जो है ये भी बॉक्स ट्रक में आ जाता है, लार्ज स्ट्रेट ये भी आ जाता है, कार्गो वैन आ जाती है, सबनिटर आ जाता है, और उसके अलावा बाकी आप छोड़ दो ठीक है। मैक्सिमम वेट कितना हो? 300 कर लेते हैं हम, बाकी इंश्योरेंस वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है आपको। पिकअप विद इन माइल, कितने माइल्स का सफर होना चाहिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अच्छा एक आपको बताऊँ, जो वेट होता है ना, जो 26 फीट ट्रक का होता है, वो आप गूगल से निकाल सकते हो, लेकिन जो हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो एग्जैक्ट है वो 10,000 का वेट जो है वो एक 26 फीट ट्रेलर का होता है ठीक है। और उसके बाद पिकअप विद इन कितने माइल्स का हो, माइल्स आप यहाँ पर लिख दो 500 ठीक है। अगर आप यहाँ पर कोई स्पेसिफिक स्टेट जो है वो चूज करना चाह रहे हो तो यहाँ पर आप चूज कर सकते हो ठीक है। अगर मैं आपको बताऊँ तो मैं यहाँ से 4-5 जो है जो मेरी फेवरेट है, जहाँ से ज़्यादा मुझे लोड मिलता है, लोड तो हर जगह से मिल जाता है, वॉशिंगटन करूँगा मैं, उसके अलावा वर्जीनिया करूँगा, और उसके अलावा टेक्सिस कर दूंगा ठीक है, और उसके अलावा फ्लोरिडा, न्यूयॉर्क और इस तरह की जितनी भी स्टेट्स हैं वो मैं यहाँ से चूज कर लूंगा। और एक और चीज़ यहाँ पर, परेड सोर्स किस तरह की होनी चाहिए आपकी, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक हो या अलाइंस हो, आपने बोथ के ऊपर क्लिक करना है, ये आपकी अपनी मर्जी है। उसके बाद इंक्लूड ट्रैक लोड और लेस देन ट्रैक लोड लेंस इन अ सर्च, तो ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ ये क्या प्लान है। अच्छा जी, सर्च के ऊपर क्लिक करते हैं और ये हर 5 मिनट के बाद खुद ही रिफ्रेश हो जाएगा, जैसे कि हम डीएडी के ऊपर जाते हैं हमें खुद से रिफ्रेश करना पड़ता है ना, तो यहाँ पर जो है हमें खुद से ये 5 मिनट के बाद, हर 5 मिनट के बाद खुद से ये रिफ्रेश हो जाएगा। अच्छा जी, अभी जो है मुझे कुछ भी रिकॉर्ड देखने को नहीं मिल रहा, और ये क्या चीज़ें नहीं थी ठीक है, ये लेस देन ट्रैक लोड और ट्रैक लोड ये उसकी इन्फॉर्मेशन आपको दिखा रहनी चाहिए ठीक है। अगर आप ये बुक करना चाहते हो तो बेस्ट होगा आपके लिए ठीक है। अच्छा जी, तो मैं अगर इसको यहाँ से एक्सक्लूड कर देता हूँ, चेक जो है वो मैं निकाल लेता हूँ, तो मैं इसको सर्च करता हूँ, तो मुझे जो है यहाँ पर इस तरह से शो शो करवाएगा, वो ट्रक लोड वगैरह जो है वो खत्म हो जाएगा, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन मुझे शो करवाएगा। अब सपोज करो मैंने जो है, अभी तो पाकिस्तान में खैर 6 बज रहे हैं, तो अभी जो है वो सोए पड़े होंगे, जब वहाँ पे सुबह होगी 9 या 10 बजेंगे तो यहाँ पर हमें लोड मिलना शुरू हो जाएंगे। अभी कुछ इन्फॉर्मेशन आई हुई है ये आप देख लो, जब आप यहाँ पे अपना फिल्टर लगाओगे तो यहाँ पर आपको इस तरह से आपके सामने नजर आ जाएगा ठीक है। अब देखो सपोज करो कि मैंने यहाँ पर अपना फिल्टर लगाया और मैंने सर्च किया, तो मुझे नीचे इस तरह की इन्फॉर्मेशन शो कर रही है ये। अब ये क्या चीज़ है, पोस्टेड बाय, अब ये ब्रोकर है, कंपनी है ठीक है, उसने अपनी जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है, इसका स्कोर है 99%, बहुत अच्छा स्कोर है, डेज टू पे 25, और उसके बाद जो है अगर इसकी कंपनी पे यहाँ पर क्लिक करें तो हमें सारा इसका डाटा मिल जाता है, फोन नंबर है, ईमेल है, सेल्स मैनेजर A to Z सारा कुछ, MC नंबर हमें मिल जाता है यहाँ पर ठीक है। MC नंबर के लिए मैं आपको अलग से वीडियो बना दूंगा कि आपको किस तरह से MC नंबर जो है वो फाइंड करना है, जो मैं बेहतरीन तरीका आपको बताऊंगा, जो अपने अपना जो एक्सपीरियंस है यूज करके आप मल्टीपल कैरियर्स अच्छे वाले फाइंड कर सकते हो। अब देखो एक बात मैं आपको समझा दूं, ब्रोकर कौन होता है, ब्रोकर वो होता है जिसके पास लोड की इंफॉर्मेशन होती है और वो डिस्पैचर फाइंड करता है अच्छे वाले, मतलब कि वो करियर्स फाइंड करता है। एक ब्रोकर को करियर्स की कमी नहीं होती, मिसाल के तौर पर मैं ब्रोकर हूँ ना, मेरे साथ वाले घर जो हम साया में रहा, वो मुझे कहते हैं यार सामू मुझे तकरीबन 400 माइल दूर जो है अपना ये सामान भेजना है, इसका वेट है 500 kg, ये भेजना है मुझे, तो मुझे एक अच्छी सी वैन चाहिए, तो मैं देखता हूँ कि मेरे लिस्ट में अच्छे खासे डिस्पैचर बैठे हैं जिनके पास अपने ट्रक हैं, तो मैं उन सबको जो है वो अपना लोड की जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड कर देता हूँ, जो मुझे अच्छा रेट देगा, जिसमें से मुझे भी बच रहा होगा और उसको भी बच रहा होगा, तो मैं अपना जो लोड है उसको बुक करवा दूंगा, वो जाके उस इन लोकेशन पे ड्रॉप ऑफ कर देगा, दिस इज कॉल्ड डिस्पैचिंग। 4 बंदे होते हैं इसमें, शिपर होता है जो अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ब्रोकर को ठीक है, और मैं डिस्पैचर हूँ, मेरे पास करियर है, जैसे कि TCS है, FedEx है, DHL है, इस तरह की मेरे पास कैरियर होते हैं जो अपने ट्रक लेकर जाते हैं वहां पर, ये सारा कॉन्सेप्ट है। 4 लोग होते हैं, शिपर, डिस्पैचर, करियर और ब्रोकर। और एक आपको बात बता दूं, जो शिपर होता है ये डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं कर सकता डिस्पैचर के साथ, बीच में ब्रोकर का इन्वॉल्व होना जरूरी है, और जो करियर है ये डायरेक्ट शिपर के साथ ये भी कॉन्टेक्ट नहीं कर सकता,
ठीक है, ये आपने इसके जो रूल्स हैं ये आपने माइंड में रखने हैं। ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट, अगर मिसाल के तौर पे मैं एक डिस्पैचर बैठा हूँ, अगर मैं डायरेक्ट जो है किसी शिपर तक रसाई कर लूँ तो वो अलग बात है, सारे पैसे मेरे पास ही आएंगे जो कमीशन होगा। अगर ब्रोकर बीच में इन्वॉल्व नहीं होगा तो ब्रोकर को कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन जो ट्रैकिंग का असूल है इसमें आपने ये बात रखनी है जहन में कि जो ब्रोकर है उसी के पास शिपर का डाटा होता है। शिपर का डाटा ना आप डिस्पैचर को मिलता है ना ही करियर को मिलता है। ठीक है, ये आपको यहाँ से मिलेगा, ये चीज़ है सारी। अब ये कॉन्सेप्ट जो है मैंने आपको दिया है ये आपको अंडरस्टैंड करने में 2-3 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। ये क्या चीज़ है, रेफरेंस नंबर यहाँ पर दिया हुआ है कि एक्सपीडिटेड लॉट है, और उसके अलावा ऑर्डर नंबर दिया हुआ है, पिकअप लोकेशन दी हुई है, और उसके बाद डिलीवर लोकेशन दी हुई है, डिलीवर टू, और पोस्ट डेट कौन सी है, ये आज की डेट दी गई है, आजकल की डेट में ही है, और साइज कितना है, कितने माइल्स पर जाना है जनाब, 312 माइल्स का सफर है, और उसके बाद तकरीबन 7,000 जो है इसका वेट है, 7,000 kg के करीब करीब। ठीक है, अच्छा जी, तो ये पैसे कितने देगा, यहाँ पर हमें नहीं लिखा हुआ पैसे कितने देगा ये, तो आपको इसकी इंफॉर्मेशन यहाँ से निकाल कर एक टेम्पलेट जो है वो मैं आपको दूंगा, उसको यूज करते हुए आपने इसको ईमेल करनी है। फोन करोगे तो फोन करने के लिए आप स्काइप यूज कर सकते हो, टेक्स्ट नाउ TEXT NOW टेक्स्ट नाउ आप यूज कर सकते हो, इसका अकाउंट इजीली बनता नहीं है, फ्री है ये। अगर आप यूज करते हो जनाब स्काइप तो 8-9 हज़ार रुपये आपका महीना का लगेगा, और आप जितने मर्जी आप फोन कॉल्स करो, और उसके अलावा गूगल वॉइस है, और उसके अलावा मल्टीपल डायलर्स है, मैं आपको बता दूंगा उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा मैं, आप इनको फोन कर सकते हो। फोन ये 90% है फोन नहीं उठाते ये किसी का। अब ईमेल करो एक जेन्युइन सी, एक VIP सी, मैं आपको टेम्पलेट्स दिखाऊंगा मैं किस तरह से ईमेल्स इनको फॉरवर्ड करता हूँ और ये कैसे रिप्लाई करते हैं। ठीक है, अच्छा इनको जो है वो डिस्पैचर की कमी नहीं होती, बस ये बात आपने ध्यान में रखनी है। अगर आप इनके साथ बदतमीजी करोगे तो 1 रुपया नहीं देंगे, और हम इनसे पैसे रिकवर कैसे कर सकते हैं, इनकी तबीयत कैसे बना सकते हैं, समटाइम ये पैसे आपको नहीं देते, उसका भी तरीका मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, लेकिन वो बताऊंगा मैं एंड में। ठीक है, यहाँ पे इस वीडियो के नहीं, कोर्स के एंड में। अच्छा जी, यहाँ पर देखो कि ये बंदा जो है ये हमें $1,000 पे कर रहा है, ये पैसे भी इसने बताया हमें ऑर्डर नंबर के नीचे, और इसका इसको चाहिए क्या, इसको चाहिए लार्ज स्टेट, हमें चाहिए कार्गोमैन। कार्गोमैन वाला देख लेते हैं, ये कार्गोमैन है, कार्गोमैन का मेरे पास अवेलेबल है। स्प्रिंटर जो है, एक मिनट देखो, लोड टाइप जो है वो स्प्रिंटर है, स्प्रिंटर का आप देख लो कितने फिट में आता है, तो उस हिसाब से आप जो अपने ड्राइवर से बात कर लो कि यार इतना जो है आप सामान लेके जा सकते हो, क्या इतनी कैपेसिटी अवेलेबल है आपके पास। ठीक है, तो ये सारी जो आपने जब आप कॉल पे बात करोगे करियर के साथ, उससे सारा कुछ आपने पूछना है कि आपके पास जो वैन है या जो आपके पास गाड़ी है वो कितना वेट कैरी कर सकती है, कितनी उसका उसका साइज कितना है। ठीक है, और कितने माइल आप जा सकते हो, कितना आप पर माइल लोगे, ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। पर माइल का होता है $1.5 या $2, इतना अगर आप चार्ज करते हो तो आपको जाके कुछ बचता है। ठीक है, अदरवाइज जो है वो 2.5 भी आजकल रेट वैसे भी आप हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है आपको पता है ये विंटर का सीज़न है, विंटर में रेट्स हाई होती हैं डिलीवरी के। अच्छा जी, तो स्मॉल स्ट्रेट मैं कार्गोमैन की बात कर रहा था, कार्गोमैन में आपको अच्छा खासा बच जाता है। अच्छा जी, सपोज करो कि ये बंदा $1,000 चार्ज कर रहा है, यहाँ पर मैं इसी की एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पर आप सपोज करो कि कार्गोमैन लिखा होगा, कार्गोमैन, और इसका जो वेट है वो भी आप सपोज कर लो कि तकरीबन कोई 800 या 900 के करीब है। ठीक है, तो ये कितने पैसे चार्ज करने चाहिए, आप इससे बात कर सकते हो, फोन पे नेगोशिएशन कर सकते हो, इसका जो रेट है वो आपने देख लेना 90+ होना चाहिए, अगर 90+ स्कोर नहीं है तो उसको छोड़ दो, जैसे कि 85 वाला है इसको आप छोड़ सकते हो, अब 97 है तो अच्छा है ये बंदा, तो ये जो है तकरीबन 600 माइल जाना है, और हम इससे अगर नेगोशिएशन करेंगे तो तकरीबन हमें ये 1,300 या 1,400 तक आ जाएगा, मतलब कि 1,300 या 1,400 तक ये इजीली आ जाएगा, इजीली। ठीक है, और हम इससे नेगोशिएशन भी कर सकते हैं कि यार लार्ज स्ट्रेट की बजाय कार्गो वैन, या उसके अलावा स्प्रिंटर, या उसके अलावा जो है अच्छी आप इसको गाड़ी में इसका जो है वो लोड करवा दो बुक तो बेस्ट होगा, लेकिन इसका जो वेट है वो काफ़ी ज़्यादा है जिसकी वजह से आपको लार्ज स्ट्रेट ही करवाना पड़ेगा, लेकिन ये रेट थोड़ा कम दे रहा है। अगर आप इसको 1,500 1,600 तक ले आते हो तो बेस्ट होगा, आपके पास पैसे आएंगे। ये मैं सारी जो जानकारी है ये सारी मालूमात ये आप तक पहुंचा रहा हूँ। ठीक है, ये फर्जी तौर पे आपको बता रहा हूँ मैं, ये एग्जैक्ट जो है आपने अपने माइंड में नहीं रखना, जब आप एग्जैक्ट बात करोगे जो आपको रेट मिलेगा उसी टाइम आपने डिसाइड करना है, तो मैं आपको सिखाने के लिए ये चीज़ बता रहा हूँ।
ठीक है, ये एग्जैक्ट 100% नहीं हर चीज बता रहा मैं आपको, ठीक है। अच्छा अगर इसको देखें फ्लैट बेड, तो इसका बहुत ज्यादा वेट है। अच्छा जी, अब यहाँ पर इसको अगर आप सर्च करते हो, आप अपनी मर्जी की कोई भी स्टेट आप सेलेक्ट कर लेते हो, ठीक है। अभी देखो लोड यहाँ पर चेंज हो चुके हैं, ठीक है। अच्छा अब मैं आपको सिखाता हूँ कि आप जो है इससे नेगोशिएशन कैसे करोगे, बात कैसे करोगे। आपके पास करियर अवेलेबल है, ये आपको पता है कौन से वाला अवेलेबल है। अब हमने इससे बात करनी है ताकि ये हमें लोड बुक करवा दे और हम इसके साथ नेगोशिएशन कर दें। किस तरह से कर सकते हैं आपको मैं एक टेम्पलेट दिखाता हूँ, आपने क्या चीज़ करना है। इनको सेंड करने से पहले जो टाइटल है ना वो आपने यहाँ से डिसाइड करना है। देखो ये जो पूरी यहाँ पे लिखी हुई है ना, इसको हम इतना कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम अपनी मेल में जाएंगे, मैं अपनी मेल में जाता हूँ। मेल में जाने के बाद जो है हम यहाँ पर एक प्रॉपर जो है तरीका मैं आपको बताता हूँ किस तरह से आप इनको मेल करोगे, ताकि इजी टू अंडरस्टैंड हो, ज्यादा ना बीच में लिखा हो कि यार हम इंटरेस्टेड हैं। ये लोग जो है वो अपना टेम्पलेट बनाते हैं कि वो यार इंटरेस्टेड टू बुक योर लॉड ब्ला ब्ला ब्ला, इस तरह से बस सीधी आपने बात करनी है और आपको रिप्लाई कर देगा। और अगर वो आपसे अपना फोन नंबर मांग लेता आपका, तो आप अपना मतलब के डायलर से आप उससे बात कर लो और वहां पे आप अपनी डील तय कर लो, ठीक है। अभी एक वीडियो में मैं आपको जितना कॉन्सेप्ट दे सकता हूँ वो उसके हिसाब से क्या नाम है अपना जो हमारा टॉपिक है उस हिसाब से मैं आपको दे रहा हूँ। बाकी आपको प्रॉपर देखना पड़ेगा, प्रॉपर जो है क्या चीजें होती है इसमें वो मैं वन बाय वन जो है यहाँ पर बताता रहूंगा। लेकिन इसके लिए ज्यादा आपके लिए प्रेफर मैं करूंगा कि जो मेरा पेड कोर्स है वो ज्यादा बेहतर रहेगा। उसमें मैंने हर चीज बताई हुई है ओपनली कि मैं खुद जो है वो किस तरह से कॉन्टेक्ट करता हूँ, कैसे कॉल मिलाता हूँ, कैसे बात करता हूँ, कोल्ड कॉलिंग जो होती है, ठीक है, करियर्स कैसे फाइंड करता हूँ, एमसी नंबर जो है वो रैंडम कैसे मैं सर्च करके करियर्स से रब्ता करता हूँ, ये सारी चीज़ें मैंने अपने पेड कोर्स में बताई हुई हैं। यहाँ पर जो मैं नॉलेज शेयर कर रहा हूँ वो काफ़ी लोगों के लिए ये भी अच्छा रहेगा, ठीक है। तो मेरा जो है अपना पूरा जो 100% जो है मैं दे सकता हूँ वो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। लेकिन जो एक पेड ट्रेनिंग होती है वो एक पेड है, पेड कोर्स जो है वो आपको मिल जाएगा, 30,000 का मिलेगा। किस तरह से आपने मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है, मैं और मेरी टीम जल्द आपसे कॉन्टेक्ट करके आपको रिप्लाई देंगे। और जो मेरी गूगल ड्राइव है वो आपसे शेयर कर दी जाएगी, उसमें कंप्लीट डिस्पैचिंग का कोर्स जो है वो अवेलेबल है। अच्छा जी, यहाँ पर सब्जेक्ट जो मैं लिखूंगा, सब्जेक्ट लिखना आप देख लो, लोकेशन जो है वो आपको लिखना मैं यहाँ पर सिखाता हूँ। अच्छा अब देखो ये मैंने किस तरह से लिखा टाइटल, ठीक है। ये एड्रेस जहाँ से उठाना है और जहाँ पर जाके ड्रॉप अप करना है, ये आपने हमेशा टाइटल रखना है अपना ईमेल का। अच्छा अब मैं यहाँ से किसकी मैं, हाँ ये पहले वाला है, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ ताकि मुझे याद रहे। अब बाज लोग क्या करते हैं, ये यहाँ पर ना तीन चार किस्म की इन्होंने ईमेल्स दी हुई है, कंप्लेन इन्फॉर्मेशन, अकाउंट्स पेबल इन्फॉर्मेशन, तो वो सबको ईमेल करने लग जाते हैं। तो ये तरीका गलत है, बस आप इसकी ये ईमेल उठाओ यहाँ से और इसको जो है आप सेंड कर दो टू, ठीक है। अब नीचे मैं आपको दिखाता हूँ टेम्पलेट जो मैं यूज कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब बारी आती है बिड देने की, कि हम लोग हर एक ऑर्डर के ऊपर, हर एक लॉट के ऊपर जो है वो बिड देते हैं। बिड कितनी कितनी होती है हम अपने हिसाब से देते हैं, नेगोशिएशन करनी होती है ताकि हमें वो लॉट मिल जाए, ठीक है। अच्छा यहाँ पर हम ट्रक की डायमेंशन लिखते हैं, कितनी डायमेंशन है, यहाँ पर हम उसका पेलोड लिखते हैं, यहाँ पर माइल्स आउट लिखते हैं, और ये हम सारा उसको सेंड कर देते हैं। अब देखो मैं किस तरह से सेंड करता हूँ ये सारा, यहाँ पर ऑर्डर लिख देता हूँ मैं फलाना फलाना, कोई भी ऑर्डर नंबर लिख देता हूँ मैं, ठीक है। ये मेरा एमसी नंबर हो गया, ये डीओटी नंबर हो गया, कंपनी जो करियर है वो उसकी इंफॉर्मेशन मैंने दे दी, ठीक है। वो वहां से सर्च कर सकता है। अब देखो कोई भी आपका करियर है ना वो तकरीबन 6 महीने पुराना होना चाहिए, एमसी नंबर 6 महीने जब तक पुराना नहीं होगा कोई भी आपको मुंह नहीं लगाएगा। सिंपल से आम सी भाषा में आपको बता देता हूँ, जितना पुराना एमसी नंबर होगा उतना आपके लिए बेस्ट होगा। जितनी पुरानी एक साल एलएलसी पुरानी होनी चाहिए आपकी, अगर आप
किसी भी करियर को अप्रोच कर रहे हो जिसकी एलएलसी 1 साल पुरानी हो और उसका एमसी नंबर तकरीबन 6 महीने पुराना होना चाहिए, जो अभी 2024 की जो पॉलिसीज है उसके रिगार्डिंग ट्रकिंग में, ठीक है। अच्छा, स्ट्रैप्स आप कौन सी वाली यूज कर रहे हो वो हम एग्जाम्पल के तौर पर बताते हैं। माइल्स आउट कितना है वो हम वहां से देख लेते हैं उसका, ठीक है। यहाँ पर हमें ये मैं एग्जाम्पल एक लिख रहा हूँ, यहाँ पर 500 माइल्स आउट और पेलोड जो है वो 80 LB, और यहाँ पर डायमेंशन लिख देते हैं, विड्थ कितनी है उसकी, लेंथ कितनी है और हाइट कितनी है, यहाँ पर वो लिख देते हैं। यहाँ पर बिड दे देते हैं कि हाँ भाई हमारी जो बिड है इतने माइल्स आउट के ऊपर तकरीबन 1200 डॉलर्स की है, सॉरी 1200, ठीक है। और ये हम उसको सेंड कर देते हैं। मैं आपको रिप्लाईज वगैरह नहीं दिखाऊंगा क्योंकि यार लोग क्या करते हैं वो डाटा वाटा जो है वो प्राइवेट होता है थोड़ा सा। अब यहाँ से हम उसे सेंड कर देंगे और वो तकरीबन जैसे ही मेल को देखेगा वो हमें रिप्लाई देगा, क्योंकि हम उसे ऑफर कर रहे हैं। लोड हमने देखा कितने माइल्स आउट क्या है और हमने अपने कैरियर की हमारे पास इंफॉर्मेशन है उससे हमने बात की कि हाँ भाई इतना लोड हमें आ सकता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं अपने कैरियर को फोन करता हूँ, उससे पूछता हूँ कि यार हमें 500 माइल का जो है वो डिस्टेंस वो हमें करना है और उसके अलावा कितने पैसे बनते हैं, इतना वेट है, वो हमें एक जो है वो आइडिया दे देता है। फिर हम उसके रिगार्डिंग अपना ये बनाकर अपने ब्रोकर को भेजते हैं। ब्रोकर जो है उसको देखता है कि हाँ भाई ये ऑफर उसके लिए अच्छी है या नहीं अच्छी। हम देखते हैं 24 आवर्स में रिप्लाई आया, अगर रिप्लाई आया तो बेस्ट, अगर रिप्लाई नहीं आया फिर हम बिड जो है थोड़ी सी कम कर देते हैं। मतलब 1200 की अभी मैंने बिड दी है, फिर हम 1150 की बिड दे देते हैं। मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट जो हम ईमेल से उनको मेल करते हैं, जितने करियर्स होंगे उतना आपके लिए फायदा होगा। मिसाल के तौर पर मेरे पास 4 करियर्स हैं इस टाइम, मैं चारों करियर्स की जो इंफॉर्मेशन है वो जस्ट यहाँ पर उसको कंपनी का नाम, एमसी नंबर और बिड जो है एक ईमेल से 1200 की बिड दे दूंगा, एक से मैं दे दूंगा 1180 की, एक से बिड दे दूंगा 1150 की, एक से दे दूंगा 1100 की। 4 ईमेल से मैं डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के नाम यहाँ पर लिखकर स्टेप्स की और माइल्स आउट की यहाँ पर ये सारी इंफॉर्मेशन लिख के उसको सेंड कर दूंगा। वो चारों में से किसी एक पर तो रिप्लाई देगा, ठीक है। अब ये है एडिशनल टेक्निक जो मैंने आपको बताई। बाकी काफी सारे दोस्त कहते हैं यार कोई पेड कोर्स है या कोई ऐसी चीज जो आप हमें सिखा दो, तो उसके बारे में मैं आपको बता दूं, पेड कोर्स कंप्लीट जो डिस्पैचिंग का है वो आपको मिलेगा 30,000 रुपये का, 30K में आपको मिलेगा। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करो, मैं और मेरी टीम जल्द आपसे कॉन्टेक्ट करके आपको गूगल ड्राइव जो है अपनी जी मेल के ऊपर आपके फॉरवर्ड कर देंगे आप आफ्टर पेमेंट, ठीक है। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा, मैंने अपना बेस्ट जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। ट्रैकिंग में थोड़ा मैं बोलने में थोड़ा सा कमजोर हूँ लेकिन मैंने अपना बेस्ट भी आपको प्रोवाइड किया। बाकी आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना कि अमान अल्लाह आप सबका हमें नासिर हो।